सोना फिर से कमजोर पड़ता हुआ ग्लोबल मार्केट में कल से तीन हफ्ते के निचले स्तर पर गिर गया है। हालांकि वहां से अब थोड़ी हल्की रिकवरी जरूर दिख रही है। फिलहाल सोने का भाव $1,330 के पास। चांदी भी बेहद छोटे दायरे में सिमटती हुई और ओपेक का उत्पादन घटने की आशंका जताने के बाद कच्चे तेल में फिर से अब तेजी को लौटते हुए देख रहे हैं। ब्रेंट $67 पर है। WTI क्रूड करीब 1% की बढ़त के नीचे है। तो ये सारे ट्रिगर्स है कमोडिटी बाजार के, देखते हैं आज किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। तो क्रूड में हल्की सी बढ़त 4109 के लेवल के साथ, क्रूड हल्की सी बढ़त के साथ खुल रहा है क्रूड MCX यहाँ पर। वहीं नेचुरल गैस में अच्छी खासी तेजी 178.50 रुपए पर 1% ऊपर आज नेचुरल गैस नजर आ रहा है। सोने और चांदी का एक प्राइस चेक लेते हैं। 30,207 के भाव पर आज सोना नजर आ रहा है। चांदी 38,514 के लेवल्स के साथ ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर हम इसे कह सकते हैं। बेस मेटल में देखते हैं आज कहां शुरुआत हो रही है। 455.85 रुपए पर हरे निशान पर कॉपर नजर आ रहा है। 140.75 रुपए पर आज एल्यूमिनियम है। निकल 870.90 रुपए के साथ शुरुआत करते हुए लेड और जिंक आपकी स्क्रीन पर, इन दोनों में भी अभी तो बढ़त ही नजर आ रही है। अच्छी खासी बढ़त जिंक दिखा रहा है। एग्री स्पेस में देखते हैं हल्दी आज खुल रही है बढ़त के नोट के साथ 7,122 का लेवल। हल्दी NCDEX में जीरा में गिरावट नजर आ रही है। वहीं आज ब्लैक पेपर बढ़त के साथ खुलते हुए, तो खुल चुके कमोडिटी बाजार। बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से, समझते हैं आपकी रणनीति क्या हो। मेरे साथ आज दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं और कावी कॉम्ट्रेड के हिमांशु गुप्ता और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता से बात होगी। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग। सोना और चांदी काफी उठा पटा का भी दिख रही है इनमें, क्या रणनीति आप रखेंगे इन दोनों कमोडिटीज में? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए बिल्कुल हमने देखा कि कल के सेशन में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही हायर लेवल्स से काफी गिरावट देखने को मिली। जिस तरह से रिस्क सेंटीमेंट्स और वॉलेटिलिटी कल बढ़त देखने को मिली थी, उसके चलते सेफ हेवन बाइंग के चलते गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही खरीदारी देखने को मिली थी। लेकिन हालांकि जैसे डे प्रोग्रेस हुआ, साथ साथ इक्विटीज मार्केट रिकवर हुई ग्लोबली, हमने देखा कि एक सेलिंग प्रेशर इमर्ज हुआ गोल्ड और सिल्वर। जो एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो रही हैं फेड में एग्रेसिव रेट हाइक के चलते, जैसे कि इन्फ्लेशन में पिकअप देखने को मिल रहा है यूएस इकॉनमी में, और साथ ही साथ जो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में जो अपना डाउन ट्रेंड से बाहर निकलते हुए देखने को मिल रही है, तो इस सबके चलते कहीं ना कहीं गोल्ड में स्पेसिफिकली एक हायर लेवल्स पर दबाव देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि मार्केट्स में यहां से कुछ और प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो रुपी के कमजोरी के चलते मार्केट्स में कल एक नया हाई देखने को मिला था, लेकिन मार्केट क्लोजिंग बेसिस पर वहां से काफी नीचे बंद हुआ। तो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी अगर बात की जाए तो सेलिंग की ही रिकमेंडेशन रहेगी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। आज के सेशन में एक पुल बैक 30,350 के लेवल अगर मिलता है देखने को, तो वहां पर शॉर्ट को इनिशिएट किया जा सकता है 30,100 तक के टारगेट के लिए 30,450 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ सिल्वर में 38,600 के लेवल्स पर शॉर्ट की सलाह रहेगी 38,000 तक के टारगेट के लिए, और 38,850 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। हिमांशु जी कच्चे तेल को हम देख रहे हैं इसमें हल्की सी बढ़त आती हुई, लेकिन साथ ही में ये खबर आ रही है कि अमेरिका में जो है कच्चे तेल का भंडार भी बढ़ रहा है, तो इन दो खबरों के बीच में आप कच्चे तेल में अपनी स्ट्रैटेजी अभी क्या रखेंगे? जी बिल्कुल, हमने देखा कि ओवरऑल पिछले कुछ सेशंस में मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में देखने को मिला है। $67 के से लगभग $64 तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया। जैसा कि अब यूएस में एक रिफाइनरी मेंटेनेंस का सीजन स्टार्ट होगा, तो इसके चलते कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के जो स्टॉक्स हैं वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कल FTEO की जो रिपोर्ट आई है उसमें देखने को मिला है कि 2018 और 2019 में दोनों में ही यूएस की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से इकोनॉमिक आउटलुक ग्लोबली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, इस सब के चलते कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की डिमांड में भी एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आज के सुबह सेशन में हमने देखा कि API की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें इन्वेंट्री में एक डिक्लाइन देखने को मिला है, तो इसके चलते मार्केट में एक उछाल देखने को मिला है। हमारा मानना है कि मार्केट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक रेंज में कारोबार करने को देखने को मिल सकता है, जहां पर 4,150 इस ट्रेडिंग बैंड का लोअर चैनल हो सकता है, और अपसाइड में 4,200 और हायर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो डिक्लाइन पे खरीदारी की ही सलाह रहेगी। अभी हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म अप ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है। आज के सेशन में 4,100 के आसपास प्राइसेस अगर मिलते हैं तो खरीदारी की सलाह रहेगी 4,180 तक के टारगेट के लिए, 4,058 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं।
ठीक है, तो 4058 का एक स्टॉप लॉस और डिक्लाइन पर क्रूड में कीजिए खरीदारी। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता मेरे साथ है। अनुज गुड मॉर्निंग। कल चने में हमने तेजी देखी लेकिन नई फसल की आवक जल्द ही बढ़ जाएगी, ऐसे में चने में क्या किया जाए, क्या रणनीति रखेंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, चने में देखें तो कल इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाई गई है, मुझे लगता है कि उसका भी सपोर्ट रहेगा। हालांकि जो अराइवल्स हैं वो अब आने वाले समय में आते हुए दिखाई देंगे, मगर देखें तो ऑलरेडी भाव जो है वो एमएसपी से काफी नीचे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा डिस्काउंटेड भाव हो नहीं सकते हैं। तो हमें लगता है कि चने के अंदर एक बॉटम फिशिंग या बाइंग देखने को मिल सकती है, तो चने के अंदर बाय कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 3900 का रहेगा और उसके ऊपर भाव करीबन 3950 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि चने के अंदर बाय करके चलना चाहिए। और सरसों में क्या करेंगे, यहाँ तेजी या मंदी? देखिए सरसों में अगर देखें तो 15 तारीख के बाद से अराइवल स्टार्ट होती हुई दिखाई देंगी, हालांकि छुटपुट अराइवल जो है वो देखने को मिल रही है, बट जो फुल पेस पे स्टार्ट होंगी वो 15 के बाद आती हुई दिखाई देंगी। तो हमें लगता है कि अराइवल का प्रेशर आरएम सीड पे देखने को मिलेगा, और हमने इस बार अच्छी प्रोडक्शन भी देखी है, तो मुझे लगता है कि आरएम सीड में सलन राइज की स्ट्रेटेजी बन सकती है। तो सरसों के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं 4160 पे, स्टॉप लॉस 4190 का, टारगेट नीचे करीबन 4100 तक देखने को मिल सकता है। तो सरसों के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली करके ट्रेड किया जा सकता है। हिमांशु जी, हम रुपए में देख रहे हैं आज मजबूती आई है, कल काफी यहाँ पर भी एक तरह से उठापटक हमने देखी है, गिरावट देखी है, आज रुपए में इस मजबूती को आप कैसे देख रहे हैं? करेंसी मार्केट में अभी आपका क्या नजरिया बन रहा है? देखिए पिछले कुछ सेशंस में जो रुपए में कमजोरी देखने को मिली थी, मुझे लगता है वो एक टेक्निकल पुलबैक था, और यहाँ से वापस हम रुपए में एक मजबूती देखने को मिल सकती है। हालांकि आज की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एक क्रूशियल ट्रिगर हो सकता है, बट मुझे लगता है कि 64.25 स्पॉट के लेवल्स पर खरीद सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी मेरी तरफ से, 63.90 तक के टारगेट के लिए, और 64.41 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ओके, सो सेलिंग करने की आप सलाह दे रहे हैं, और जैसा कि हिमांशु बिल्कुल सही कह रहे थे, आज एमपीसी की बैठक का आउटकम 2:30 बजे से निकलेगा, इस पर बड़ी कवरेज हम आपके पास लेकर आएंगे ही, और यहाँ पर भी रुपए की चाल पर नजर रखनी होगी। लेकिन अनुज, रुपए पर क्या आप भी सेल साइड रहना ही पसंद करेंगे? हिमांशु कह रहे हैं सेल साइड रहने में ही, अभी उनकी स्ट्रैटेजी में तो सेल साइड रहने की सलाह, आप क्या कह रहे हैं? भी रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले अगर हम वीक से देखें तो इंडियन रुपीस थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ है, तो मुझे लगता है कि इंडियन रुपीस में अभी थोड़ा डेप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे परस्पेक्टिव से हमें लगता है कि बाय करके चलना चाहिए करीबन 64.10 पे, स्टॉप लॉस 63.90 का रहेगा, टारगेट 64.40 रहेगा। अगर हम ब्रॉड रेंज में बात करें तो मुझे लगता है कि ऊपर में 64.8065 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, और नीचे करीबन 63.80, तो मुझे लगता है कि ये रेंज जो है वो अभी थोड़ा फॉलोअप में रहेगी। चलिए, थैंक यू सो मच अनुज गुप्ता और हिमांशु जी, आप दोनों का ही आपने वक्त निकाला कमोडिटी बाजार के ओपनिंग ट्रेड में, और हमें बताया कि किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए आपको। फिलहाल छोड़ा